बाबर, वालेकुम कप्तान अस्सलाम। जी, कप्तान जी, कराची किंग्स आपकी टीम है और लाहौर कलंदर्स के साथ जब मैच होता है दिल में ख्याल आते हैं हम जल्दी के लाहौर भी जीत जाए यार। और दूसरा मोहम्मद आमिर के बारे में मैंने पूछना था कि मोहम्मद आमिर आप समझते हैं कि अभी भी आपके मैच विनर बॉलर हैं? हाँ डेफिनेटली मोहम्मद आमिर, हाँ कराची किंग्स के लिए काफ़ी अच्छे मैचेस जिताए हैं। डिफरेंट मुश्किल टाइम पे उन्होंने बड़े बड़े अच्छे ओवर्स मैच जिताए हैं। बिल्कुल हमारा वो मैन मेन बॉलर और मैच विनर बॉलर है और टीम उस उन पर रिलाई करती है। देखें, कोशिश यही होती है कि हर मैच फोकस और 100% दिया जाए अगेंस्ट जो भी टीम हो। हम कोशिश यही होती है कि जो हम जिसकी तरफ से खेल रहे हैं उसको टीम को जिताएं और अगेंस्ट जो भी हो 100% दिया जाता है। एफर्ट एफर्ट हमारे हाथ में और एफर्ट हम करते हैं और रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। हमारे प्रॉपर 5 बैट्समैन और 6 बैट्समैन हैं जिसमें ऑलराउंडर भी हैं, तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन। और जो ऑलराउंडर भी हैं वो प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर हैं और जो हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो भी हमारी पूरी स्ट्रेंथ है। और मेरे ख्याल से मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ। मेरी जो टीम है तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि बेस्ट दें और मैचेस जीतें। डेफिनेटली देखें, जब एज अ ग्रुप आप इकट्ठे होते हैं बिफोर द टूर्नामेंट तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। और हमने जो कैंप लगाया था कराची में और लड़के आए, जो लोकल प्लेयर्स थे जितने भी अवेलेबल थे वो आए, हमने प्रैक्टिस की। मैं लेट ज्वाइन किया था लेकिन 3 दिन पहले उनका कैंप लगा था, गेट टुगेदर हुए। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि आप टूर्नामेंट से पहले इकट्ठे होते हैं, जल होते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली देखें, हम जितने भी प्लेयर्स हैं इवन के इंटरनेशनल प्लेयर्स, वो हम इकट्ठे खेले हुए हैं 2-3 साल या पहले भी हम खेले हुए हैं इकट्ठे, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। बॉन्डिंग काफ़ी जल्दी होगी और सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं तो लीग्स खेलते हैं, उनको पता है कि कैसे मर्ज होना, कैसे जल्दी जल होना। तो हमारे लिए मोर अपॉर्चुनिटी है कि जो 3 दिन हमारे पास हैं प्रैक्टिस के और एक मैच मैच है, तो उसमें हम जल्दी जल होने की कोशिश करेंगे।